स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के विषय में बात करेंगे। ये चिन्ह जो गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर, मंगल क्षेत्र में हम बनते हैं, हम इन चिन्हों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख ले हम इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। तो हृदय रेखा यहाँ से चल रही है और ये देखिए एक पार्ट इसका जा रहा है कहाँ, ये देखिए एक पार्ट यहाँ जा रही है और दूसरी पार्ट हृदय रेखा का कुछ इस प्रकार से गुरु पर्वत की ओर बढ़ रही है। तो हमारे शनि पर्वत और गुरु पर्वत, इन दोनों पर्वत के बीच में हृदय रेखा का पहुंचना व्यक्ति को प्रेम में अस्थायित्व देता है। मतलब इनके अंदर का जो प्रेम होता है उसमें एक नियंत्रण होता है, अस्थायित्व होता है, मन में भटकाव नहीं होता, इन चीज़ों को दिखलाता है। और जब रेखा आपकी गुरु पर्वत पर पहुंचती है हृदय रेखा, तो इसका अर्थ होता है कि आपका प्रेम जो है वो आदर्श होता है। तो निस्वार्थ भाव से किसी से भी जुड़ने वाले, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले, और इनका हृदय जो होता है थोड़ी आध्यात्मिक अभिरुचि वाली, आध्यात्मिक अभिरुचि के साथ गुरु वाली प्रवृत्ति। गुरु का अर्थ होता है गुरु वाली प्रवृत्ति, अर्थात लोगों की मदद करना या लोगों का मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक करना, लोगों को राह दिखलाना। यदि कोई ऐसे व्यक्ति से सजेशन लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति कभी गलत सजेशन नहीं देते हैं। तो जिनकी भी हृदय रेखा गुरु पर पहुँचती हो, आप ऐसे व्यक्ति पर एक तो विश्वास कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति आपको आपके साथ छल कपट ना करेंगे। हाँ, हृदय रेखा यदि शनि में जा रही है तो आप उनके ऊपर आँख मूंद कर विश्वास ना कर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो गुरु में पहुँचते हैं तो आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति छल कपट से रहित होते हैं, लोगों को गलत सजेशन नहीं देते हैं, हमेशा सही चाहते हैं, गुरु वाली प्रवृत्ति होती है, मदद करने की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों को ये हृदय रेखा दिखलाती है। अब देखिए इनकी हथेली में देखते हैं कि हृदय रेखा पर यहाँ इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि एक फिश बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए मछली का चिन्ह हथेली में, कहीं पर भी फिश का निशान बनता हो, कहीं पर भी, वो शुभ माना जाता है। यहाँ पर देखें कुछ इस प्रकार से ये रेखा गई है और ये रेखा हालांकि भाग्य रेखा का पार्ट नहीं है, ये हृदय रेखा का ही पार्ट है। और यहाँ पर से एक रेखा इस प्रकार से मुड़कर इस प्रकार से पार होकर ये एक फिश नुमा आकृति बना रही है। तो मत्स्य का चिन्ह सर्वप्रथम जान लें कि कहीं भी मत्स्य का चिन्ह यदि स्वतंत्र रूप से बनता है, स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है कि उसमें किसी रेखा का सहयोग नहीं हो, वो बिल्कुल अपने स्वतंत्र रेखा से मिले। सहयोग कहने का अर्थ होता है ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग्य रेखा जा रही थी, इसने भाग्य रेखा के सहयोग से बना दिया, यहाँ से हृदय रेखा जा रही थी, हृदय रेखा के सहयोग से बना दिया। इसके जो फल होते हैं, इसके फल और इस स्वतंत्र फिश के फल में अंतर हो जाता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पलने वाले मछली शत प्रतिशत आपको शुभ परिणाम देते हैं। अब हम इस परिणाम की ओर जाते हैं कि ये फिश का निशान क्या परिणाम देता है। देखिए यदि ये केवल शनि पर बनता है तो शनि से रिलेटेड ये शुभ परिणाम देगा, और केवल गुरु पे बनता है तो ये गुरु से रिलेटेड देगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में, अर्थात यहाँ मध्य स्थान पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें शनि और गुरु दोनों को गुण आ जाएंगे। शनि का गुण होता है, एक तो देख ले शनि कर्म का क्षेत्र है, शनि को न्याय के देवता भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के अंदर जो भावना होती है ये अनुशासन की होती है, मतलब ना ही गलत करना पसंद करते हैं, ना ही गलत देखना, ना ही गलत किसी से करना, सामने में भी हो तो उसे अवश्य टोकेंगे। तो ये न्याय एक तरह से होता है कि यदि जातक किसी ऐसे क्षेत्र में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर न्याय के क्षेत्र में है, तो ये अच्छे न्यायाधीश भी साबित हो सकते हैं। कहीं अगर यदि इनको यदि खड़ा कर दिया जाए किसी मामले में हस्तक्षेप करके निर्णय लेने में, तो फिर ऐसे जातक बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, कहते हैं ना ये किसी का पक्ष लेंगे, बिल्कुल सही और सटीक निर्णय देंगे, तो ये न्याय करने वाले व्यक्ति होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति अनावश्यक रूप से फालतू के कार्य करना, फालतू की बात करना, ये इन्हें पसंद नहीं होता है। और तो और ये शनि क्षेत्र के और इसके बीच में बनता है तो कहीं ना कहीं ये जातक के स्वभाव में गंभीरता भी लाता है। जैसे एकांत, हालांकि ये पूर्ण रूप में एकांत की स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि ये शनि पर नहीं बन रहा है। शनि पर बनने का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाएंगे, साथ में ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्या की काफ़ी रुचि हो जाएगी। ये गुप्त विद्या किसी भी चीज़ की हो सकती है, गुप्त विद्या कहने की या रहस्य विद्या कहने का अर्थ होता है वैसी विद्या जो आम लोगों से दूर है। ये विद्या किसी धन को बनाने की किसी विद्या के रूप में हम इसे ले सकते हैं, जो विद्या सभी के पास नहीं वो इनके पास है। रहस्यमय विद्या में आपकी ज्योतिषी शास्त्र भी आते हैं, तंत्र मंत्र भी आते हैं, पूजा पाठ भी आता है, जादू भी आता है, साथ में कुछ धन कमाने की विशेष कला, कोई ना कोई विद्या है वो इनको भी दिखलाता है। तो ये इनका फीस यहाँ दिखलाता है।
साथ में ये गुरु के भी मध्य बन रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु से आध्यात्मिक प्रभाव, गुरु मूल रूप से आपके अध्यात्म को दिखलाता है, समाज में कुछ करने की भावना, लोगों का एक तरह से लोगों को मार्गदर्शन दिखलाना, लोगों के साथ में लीडरशिप की क्वालिटी खुद में डेवलप करना, या लोग इन्हें अपने अग्रज के रूप में देखते हैं, इस प्रकार की स्थिति दिखता है। तो यहाँ पर जो पीएम मत्स्य का चिन्ह है, ये दोनों के मिले जुले फल इन्हें प्रदान करेगा, ये मत्स्य का चिन्ह। लेकिन ये मत्स्य का चिन्ह हृदय रेखा में बनता थी, इसके जो शुभ परिणाम प्राप्त होंगे वो स्वतंत्र रूप से बनने वाले की अपेक्षा कम प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो गई। अब देखें इनकी हृदय रेखा झुक कर कहाँ जा रही है, तो ये है इनकी हृदय रेखा, एक पार्ट झुक कर, कहीं ना कहीं ये झुक के जा नहीं रही है, एक रेखा इधर से आके यहाँ मिल रही है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी भी जातक के हथेली में हो, आपकी मस्तिष्क रेखा को टच कर रही हो या इसे पार कर रही हो ये रेखा, तो आपको विशेष सतर्क रहना है। आवेश में आकर कोई कार्य ना करें, किसी के बहकावे में आकर कार्य ना करें, और क्रोध की अवस्था में स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, नहीं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और भावनाओं में बहके, हृदय कहीं ना कहीं यहाँ मस्तिष्क के ऊपर हावी होने का प्रयास करता है, हृदय कहीं ना कहीं यहाँ हावी होने का प्रयास करता है, तो भावनाओं में बहके कोई कार्य आपको नहीं करना है। अब देखिए कुछ रेखा यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, एक रेखा यहाँ, दूसरी रेखा यहाँ। तो इस प्रकार की रेखा को जो आपके मस्तिष्क से निकलता है, इसे बहुत जगह कहा गया है शास्त्र में इच्छा पूर्ति की रेखा, बहुत जगह इसे कहा गया है स्वाभिमान की रेखा, और बहुत जगह इसे कहते हैं कि ऐसे जातक जो है इनका इस प्रकार जो भी चाहते हैं जीवन में उसे ये अवश्य पूरी करने में जीवन में लगे रहते हैं, और ऐसे जातक की इच्छा पूर्ति भी होती है लेकिन इच्छा पूर्ति होने में विलम्ब होती है, स्वाभिमान की रेखा कहलाती है। तो ये स्वाभिमान व्यक्ति के अंदर में देता है, चूँकि ये गुरु का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र ही स्वाभिमान का क्षेत्र होता है, तो ये स्वाभिमान जो जातक को प्रदान करता है। लेकिन यदि इसे कोई काट दे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हृदय रेखा का एक पार्ट इसे झुक कर काट रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इनकी इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगा, या कठिन परिश्रम के बाद ये अपनी इच्छा पूर्ति को पालन कर सकेंगे, पा सकेंगे। अब है कि हृदय रेखा को काट रही, ये हृदय रेखा इसे काट रही है और ये हृदय रेखा को काट रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में कुछ निराशा को भी ये दिखलाती, चूँकि हृदय प्रेम संबंध को दिखलाता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में ये निराशा भी उत्पन्न करता है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। ये उच्च अभिलाषा, उच्च इच्छा, महत्वाकांक्षा की रेखा कहलाती है। ये रेखा बिल्कुल साफ सुथरी एवं क्लियर रहती है, तो ऐसे जातक अपनी इच्छाओं की, सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, लेकिन इस पे किसी प्रकार का कट होने पर कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छा पूर्ति करने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब इस हथेली में भी एक चीज़ें देख रहे हैं कि इनके हथेली में राहु रेखा एक देखिए थोड़ी सी गंभीर अवस्था में ये मस्तिष्क रेखा तक जा रही है। हालांकि इनकी उम्र जो है, हमें लगता है ये राहु रेखा वाली स्थिति को ये क्रॉस कर चुके हैं, ये लगभग 30 के आसपास की एज में ये आ रहा है या 30 प्लस में आ रहा है, उस समय इन्हें एक राहु रेखा इन्हें जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं इन्हें ज़बरदस्त परेशान किया होगा। हालांकि ये समय बीत चुका है, घबराने की यहाँ पर आवश्यकता इनको बिल्कुल नहीं है। आगे की लाइफ जो है, लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर साफ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जीवन लंबा होगा, इन चीज़ों को दिखलाती है। इनके शुक्र क्षेत्र पर कुछ रेखाओं की संख्या अधिक दिख रही है, शुक्र क्षेत्र पर यदि खड़ी रेखाएँ अधिक होती है तो ये अधिक शुभ माना जाता है कि ये क्लियर रेखा, ये रेखा इनकी हथेली में भी है, तो ये शुभ स्थिति को दिखलाती है। लेकिन इनके आड़ी रेखाएं भी काफ़ी संख्या में है, तो आड़ी रेखाओं का कहीं ना कहीं इस प्रकार से आना आपके शुक्र क्षेत्र पर, शुक्र आपको भोग विलास का क्षेत्र है, आपके भौतिक सुख सुविधा का क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं ये आड़ी रेखा आना तो आपके सुख सुविधा या भौतिक सुख में, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कमी उत्पन्न करता है, प्रेम संबंध में भी कुछ समस्याएँ ये उत्पन्न कर सकता है, या अनावश्यक रूप से कहीं प्रेम संबंध में आपको लॉस भी हो सकता है, कहीं अन्य जगह पर यदि किसी के साथ ऐसे रिलेशन हो तो आपको बच के रहना है, यहाँ नुकसान की उत्पन्न करता है। ये रेखा यदि लंबी होकर यदि आपकी हृदय रेखा को क्रॉस करती है तो ये एक बड़ी जो है स्थिति उत्पन्न कर सकती थी, लेकिन कोई भी रेखा यहाँ इनके लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं किया, अर्थात ये बड़ा नुकसान इनके जीवन में नहीं पहुँचा सकेगी, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ी सी मैं इनकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। भाग्य रेखा देखिए ये यहाँ से बिल्कुल निकला है
और ये एक पार्ट व्यवसाय की रेखा की तरफ से यहाँ बुध में चला गया है, जबकि हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं तो ये यहाँ से क्लियर होके हृदय रेखा पे गई है। कहीं एक ऐसा प्रतीत हो रहा है ये रेखा थोड़ा झुक के सूर्य रेखा में सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार से यदि कालांतर में ये रेखा क्लियर और स्पष्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं इनके जो है किसी भी वर्क के लिए इनको एक अच्छी सफलता मिलने की यहाँ संभावना दिख रही है। ये देखिए सूर्य जो है सफलता का कारक है, यहाँ से यहाँ तक इनकी सूर्य रेखा बिल्कुल क्लियर अवस्था में है और ये यदि यहाँ से आके सपोर्ट हो जाता है तो ये एक सूर्य रेखा को काफ़ी लंबी स्थिति में बना देगा। और लंबी सूर्य रेखा और स्पष्ट सूर्य रेखा होना जातक को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में विशेष नाम फैलाता है, समाज में इनका लोग के सामने विशेष इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है। किसी वर्क के लिए इन्हें लोग दूर दूर तक जानते हैं, अर्थात एक ब्रांड के रूप में भी ऐसे जातक खड़े हो जाते हैं जिनकी सूर्य रेखा काफ़ी मजबूत और बड़ी होती है। तो हालांकि अभी की स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन कालांतर में ये रेखाएँ यदि क्लियर हो कि इस प्रकार से हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बनाएगी कि इन्हें जो है एक ब्रांड के रूप में चमकने का मौका मिलेगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।